स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 पैटर्न। तो यहाँ पे की स्टोरी दी गई, हम स्टोरी देखते हैं पहले। तो बिन्नी एंड गिन्नी वेयर गोइंग होम। बिन्नी और गिन्नी क्या करते हैं, घर जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, दे सॉ सम पीपल मेकिंग ए पेवमेंट। ही टाइल्स यूज टू वेयर ऑफ द डिफरेंट कलर एंड डिजाइन। मतलब कुछ जो पीपल्स थे वो कोई टाइल्स से कोई डिजाइन बना रहे थे कलरफुल। दिस इज वॉट दे सॉ, जैसे कि हमें हम देख सकते हैं कि ऐसा वो दिखाई दे रहा था। ऑन रीचिंग होम, दे सॉ मदर साड़ीज हैंगिंग ऑन द रोप। जैसे ही घर पहुँचते हैं वो क्या देखते हैं कि साड़ी क्या होती है, लटकी हुई होती है। इट ऑल्सो हैड ए नाइस डिज़ाइन डिफरेंट कलर। उसके साड़ी में क्या होती है, एक अच्छा सा डिज़ाइन पड़ा हुआ रहता है अलग अलग कलर में। तो इन द इवनिंग, रात को, दे वेयर प्लेइंग इन ए पार्क, पार्क में खेल रहे होते हैं। दे सॉ आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल। वो क्या देखते हैं, जो बाउंड्रीज वॉल होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी अच्छी सी डिज़ाइन देखते हैं। तो लुकिंग एट द ग्रिल, बिन्नी सेड, ग्रिल को देखकर बिन्नी कहती है, दीज सम ग्रिल मेक ए डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडोज एट होम। मतलब ऐसे ही पैटर्न में हमारे घर में क्या हुआ, डिफरेंट डिज़ाइन में विंडो में लगा हुआ है। तो वी सी मैनी सच ए पैटर्न अराउंड अस। उसने क्या किया था, बहुत हम लोग ने, विनी क्या कहती है कि हमने बहुत सारे पैटर्न अपने आसपास देखे, जैसे टाइल्स में, क्लोथ में और डायरीज में। तो ये यहाँ पे पूरा हो जाता है स्टोरी। फिर नेक्स्ट है, भोलू हैज ईटन ए पार्ट ऑफ सावल्स ऑफ बिन्नीज मदर। तो जो भोलू एक चूहा होता है वो कुछ पार्ट क्या होता है, बिन्नी की मदर का सावल्स काट देता है। लुक एट द पिक्चर, हेल्प द बिन्नी मैचिंग द विच पीस ऑफ द सेम पैटर्न। यहाँ पे कुछ पीस दिए होते हैं और यहाँ पे कुछ पैटर्न है, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगाएंगे जो क्या होगा, ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। देखो ये लगाएंगे तो क्या मैच होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिसके जो डिब्बे हैं वो दूर दूर हैं। ये लगाएंगे तो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके भी देखो ये शेप में यहाँ पे नहीं बना हुआ है। ये भी नहीं होगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे चार चार डिब्बा बना हुआ है। अगर ये डिब्बा हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे है, माधव वेंट टू द मेक ए पैटेंट ऑन ए गेट यूजिंग। ये यहाँ पे मतलब जो माधव होता है एक पैटेंट तैयार करता है, किसका यूज करके, इसका। तो कैन यू गेस विच दिस कैन नॉट बी फिटेड विच दिस, यहाँ पे बता सकते कौन सा यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ पैटेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको बताना कौन सा फिट होगा कि कौन सा नहीं होगा। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे है, फील इन फील अप द ब्लैंक बॉक्स और टू कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे कुछ कलर करके यहाँ पे बॉक्स को कंप्लीट करना है। जैसे कि देखो इस रो में ऐसा दिया गया है, इस रो में ऐसे फिर ऐसे कलर किए गए हैं, फिर वापस ऐसे रो में आपको कलर करना है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो, फिर रेड, फिर यहाँ पे येलो, फिर यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो, ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों कलर का यूज़ करके आपको यहाँ पे पैटर्न में कलर करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी एक अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पे बोला है लीफ पैटर्न, तो यहाँ पे यूजिंग द वन लीफ, आपको यहाँ पे कोई एक लीफ का यूज़ करना है और डिफरेंट पैटर्न अलग अलग पैटर्न में। सी द दिस फाइव लीफ पैटर्न, यहाँ पे फाइव से अलग अलग पत्तियाँ दी गई हैं, आपको पत्तियों का यूज़ करके क्या करना है, कोई डिज़ाइन तैयार करनी है। जैसे हम रंगोली बनाते हैं या फिर कुछ ड्राइंग करते हैं तो आपको लीफ का ही यूज़ करना है, कोई फ्लावर, लीफ से कोई फ्लावर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉपी में एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, नाउ यू ऑल्सो मेक ए सम पैटर्न विद द एरोज इन योर नोटबुक। यहाँ पर मतलब ये स्टोरी दी गई है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, लुक एट द पैटर्न एंड फिल अप द बॉक्स। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, आपको फिर बॉक्स को फिल करना है। तो जैसे देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर सर्कल है, फिर बॉक्स है, तो फिर सर्कल, फिर बॉक्स, फिर सर्कल और फिर बॉक्स, ये तैयार हो गया।
उसके बाद देखो यहाँ पे एरो है तो सारे क्या होंगे, एरो ही तैयार होंगे। इसको आप अच्छे डिज़ाइन में आप बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बिंदी है, फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, फिर यहाँ पे एक, तो क्या पैटर्न आएगा वापस, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, फिर वापस क्या आएगा एक, फिर यहाँ पे दो, ऐसे पैटर्न तैयार हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक रेड है और एक ब्लू है, फिर यहाँ पे दोनों नीचे है, फिर दोनों ऊपर है, फिर दोनों नीचे है, तो क्या आएगा वापस ये दोनों ऊपर आएगा, फिर दोनों क्या आएगा नीचे आएगा अलग अलग कलर में, फिर दोनों क्या आएगा ऊपर आएगा, ऐसे आप पैटर्न तैयार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया, फिर सर्कल हो गया, फिर ट्राइंगल हो गया, फिर सर्कल हो गया, तो अब क्या आएगा वापस उल्टा ट्राइंगल आएगा, फिर वापस दो सर्कल आएगा, फिर नीचे ट्राइंगल आएगा, वापस दो सर्कल आए, ठीक है, ऐसे हमारा पैटर्न तैयार हो रहा है। फिर यहाँ पे बॉक्स दिया गया, देखो यहाँ पे आपको बॉक्स तैयार करना है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा बॉक्स है, फिर यहाँ पे दो अलग अलग कलर है, फिर यहाँ पे एक सिंगल कलर है, फिर दो अलग अलग कलर है, तो यहाँ पे फिर एक सिंगल कलर आएगा ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे दो अलग अलग कलर आएंगे, फिर ऐसे आपको तैयार कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे सेमी, यहाँ पे आधा सर्कल है, फिर नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, तो वापस क्या आएगा ये ऊपर की तरफ कलर कर देना, फिर वापस क्या आएगा ये नीचे की तरफ, फिर वापस कलर कर देना, इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा है नंबर पैटर्न, लेट अस द लुक एट द सम पैटर्न विद द नंबर, फिल इन द नंबर्स ब्लैंक स्पेस इच पैटर्न। यहाँ पे कुछ नंबर्स के पैटर्न दिए गए हैं, आपको फिल करना है कि कौन से पैटर्न किस नंबर पे आएंगे। जैसे कि यहाँ पे वन, तो देखो यहाँ पे थ्री आया, तो थ्री फिर टू छोड़ के फाइव, फाइव फिर टू छोड़ के सेवन, और सेवन में अगर दो छोड़ेंगे क्या आएगा नाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो यहाँ पे क्या आएगा 80 हो गया हमारा पैटर्न। अब देखो यहाँ पे 24 में हम टू जोड़ ऐड करते हैं तो क्या हो गया 27, फिर टू ऐड किया तो 30, 33, थ्री ऐड किया 24 है, यहाँ पे हम थ्री ऐड करते हैं तो 27, फिर थ्री ऐड करते हो तो 30, फिर थ्री ऐड करते हो तो 33, फिर थ्री ऐड करते हो तो 36, और यहाँ पे थ्री ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36 है, 37, 38, 39, तो क्या आ गया हमारा ये 39, तीन तीन का गैप हो गया। अब यहाँ पे है 5, 10, 50, 20, 25, 30, तो यहाँ पे क्या आएगा 35, 55 का डिफरेंस है, 40, 45, 50, और यहाँ पे क्या आ गया 55, तो इस तरह से हमने 5-5 का यहाँ पे डिफरेंस पूरा किया। अब यहाँ पे है टीटू, एक मेंढक रहता है, टीटू फ्रॉग जंप ओवर टू नंबर एंड द रीच द थर्ड नंबर। जो टीटू फ्रॉग होता है वो दो नंबर से क्या करता है जंप करता है, तो किसके नंबर पहुँचता है थर्ड नंबर पहुँचता है। वेयर एक्सपेक्टेड टू गो टू नेक्स्ट मेक ए रिंग द अदर नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कैसे टू किस किस नंबर पे जंप करेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। जैसे मान लो पहले वो वन नंबर पे था, तो वहाँ पे उसने कूदा तो कितने पे आया थ्री नंबर पे, थ्री हो गया, फिर वापस दो नंबर का गैप किया तो किस पे आया सिक्स पे, अब यहाँ पे दो नंबर गैप करेगा तो यहाँ पे किस पे आएगा नाइन पे, फिर नाइन पे दो नंबर गैप करने के बाद किस पे आएगा ट्वेल्व पे, फिर दो नंबर गैप करेगा दो नंबर गैप किस पे आएगा तो 15 पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले वो 3 था, 3 से 6 आया, 6 से फिर 9, फिर 9 से 12, 12 से 50, 50 से फिर 80, 80 से फिर 21, 21 से 24, इस तरह से हमारा क्या होगा पैटर्न तैयार हुआ, वो दो दो नंबर पे करके जंप किया। तो वापस T2 जंप द एंड गेट्स एवरी 10 स्टोन, जो T2 जंप करता है बीच में डिफरेंस इतना आता है 10 स्टोन का। राइट द नंबर ऑफ द ऑन स्टोन, तो यहाँ पे स्टोन का हमें नंबर ऐड करना है। देखो यहाँ पे दिया है 10 और यहाँ पे 28, तो इसमें क्या लिखा होगा जो 28 आया होगा, तो यहाँ पे अगर 18 होगा, 18 + 10 = 28, 20 + 10 = 38, 38 में + 10 करेंगे
तो क्या हो गया 48। ठीक है, 48 में वापस 10 का ऐड किया तो क्या आ गया 58, फिर 68 और फिर क्या हो गया 78। 10 का वहाँ पे पैटर्न बन गया, यहाँ पे ऐसे 10+ यहाँ पे 10+ हो गया, हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कुछ पैटर्न यहाँ पे दिए गए हैं, रीड द राइट एंड व्हाट कम नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में क्या आता है वहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे ए बी बी सी सी तो क्या आ गया डी डी ई ई एफ एफ जी जी फिर एच एच, ये हो गया हमारा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये हो गया हमारा, दो दो नंबर आ गया। फिर डे नाइट डे फिर नाइट फिर डे फिर नाइट फिर डे फिर नाइट, फिर यहाँ पे 2 1 1 2 1 2 1 2 87 88 89 90 91 92 93 फिर 94 20 30 40 50 60 17 18 और 19 29 39 49 59 69 79 और 89 पैटर्न तैयार कर रहे हैं हम। 2 अब यहाँ पे कैसे हमारा क्या बनेगा, देखो 2 कितने का गैप आया है यहाँ पे, 2 3 का फिर 5 हो गया, 5 में फिर 3 ऐड किया कितना हो गया 8 आ गया, 8 में फिर 3 ऐड करते हैं 9 10 11 फिर 3 12 30 40 फिर 3 ऐड करेंगे 50 60 17 18 19 20 21 22 और 23 3 का गैप हो गया यहाँ पे 15 20 25 फिर क्या आएगा यहाँ पे 30 35 40 45 50 ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर दूसरा पैटर्न तैयार कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे खुद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 18 है, 18 कितना जुड़ा है यहाँ पे 90 20 21 3 का हुआ, फिर 3 में फिर कितना जुड़ा 3 जुड़ा तो 24 में फिर 3 ऐड करते हैं 25 26 और 27 फिर क्या आया 28 29 30 33 फिर 36 फिर 39 52 54 56 2 का गैप हुआ 56 हो गया, फिर क्या आया अब यहाँ 58 60 और यहाँ पे 62 64 66 हो गया। इस तरह से हम अब ये पैटर्न आप खुद कर सकते हैं। ठीक, अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा है किट्टू हैज सम मेड सम पैटर्न बाय कलेक्टिंग लिप, जो किट्टू होता है वहाँ पे कुछ लिप करके वहाँ पे पैटर्न तैयार करता है, तो यहाँ पे इसे तैयार किया इसने। तो वैसे क्या करना है आपको, ऐसे कुछ लीफ्स लेकर यहाँ पे कुछ एक अलग सा पैटर्न आप तैयार कर सकते हैं इस बॉक्स में, पत्तियों का यूज़ करके अलग अलग पत्तियाँ यूज़ लीजिए और यहाँ पे एक पैटर्न तैयार कीजिए। इस तरह से क्या होता है हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।